जिन्हें भी लोग कीर्ति या किरत करने वाले लोग आ जिहड़े इन्हां नूं वोटां नाल नवाजदे आ उन्हां दे विच बहुत वड्डा रोस पैदा हो गया। जब तक ये बिल रद्द नहीं हुंदे ये जथे कंडी नूं चलदे रहणगे ते वापस नहीं आ जाऊगा। ये लड़ाई उदों भी दिल्ली दे नाल ही ते हुण भी लड़ाई दिल्ली दे नाल है ते असीं मोदी नूं कहना चाहुंदे औरंगजेब ना बन। साडियां मातावां साडियां भैणां अपने परिवार समेत अपने बच्चों के समेत उस दिल्ली के संघर्ष के विच जा रहे हैं। इत्थों अंदाजा ला सकते कि संघर्ष कितना तिखा होने वाला है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं परमजीत सिंह बाठ जोन प्रधान टांडा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब अज साडी जथेबंदी 1000 ट्राली का काफिला लैके दिल्ली जा रही है ते प्रण किया गया है कि जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे ये जथे कंटिन्यू चलते रहेंगे तो वापस नहीं आ जाऊगा। धन्यवाद जी। अगे चताला साहब जी। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सीनियर मीत प्रधान सुरिंदर सिंह चताला बोल रहा ते टांडे दाणा मंडी दे विच ही खड़े हाँ। इत्थों गुरदासपुर तो हुशियारपुर तो अमृतसर तो लगभग 1000 ट्राली तो उपर काफिला जिहड़ा वा वह दिल्ली नूं अज रवाना हो जा रहा। इस करके भी जिहड़े केंद्र सरकार ने केंद्र दी मोदी सरकार ने काले कानून लागू कीते आ वह पंजाब च ही नहीं वह सारे हिंदुस्तान दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा रोस पैदा हो गया किसानां दे विच मजदूरां दे विच ते जिन्हें भी लोग किरती या किरत करने वाले लोग आ जिहड़े इन्हां नूं वोटां नाल नवाजदे आ उन्हां दे विच बहुत वड्डा रोस पैदा हो गया। इस करके उन्हां कानूनां नूं रद्द करवाउण वास्ते ये काफले जिहड़े आ दिन ब दिन दिल्ली नूं जा रहे। अज बहुत वड्डा काफला इत्थों भी चलिया कोई लगभग 14-15 हज़ार किसान मजदूर बीबियां बच्चे बुढ़े जिहड़े जा रहे आ। असीं केंद्र दी सरकार नूं कहना चाहुंदे आ भी तुसीं किसानां दा जिहड़ा अंदोलन आ उहनूं हाईजैक करना चाहुंदे जे अपने RSS दे IT सैल दे राहीं नाल जिन्हां तुहाडा गोदी मीडिया नाल भी जो कुछ आ हथ हर कंडे वरत रहे जे भी अंदोलन नूं हाईजैक कीता जावे। तरह तरह के हथ कंडे तुसीं वरत लै जे पर हिंदुस्तान दे लोकां दी जिहड़ा नवी ते तुहानूं हथ रखना चाहीदा ते इन्हां काले कानूनां नूं जल्दी तों जल्दी जिहड़ा रद्द करना चाहीदा नहीं ते हिंदुस्तान दे विच इक वखरा वर्तारा जिहड़ा पैदा हो रहा ते मोदी इतिहास दे विच तेरे नां लगूगा ते जिहड़ियां पीढ़ियां सानू लगदा भी जिहड़ियां पीढ़ियां ये जिहड़ियां तेनू नकारनगियां जे तू इन्हां नूं वापस ना लिया क्योंकि जिस तरह का दिल्ली दे विच ये वर्तारा बन रहा ते असीं हर हालत दे विच ये बना रहे हां। किसानां दी ये सोच आ मजदूरां दी नौजवानां दी भी लड़ांगे। ये दिन भी साडे उहनां दिनां च आए आ जदों साडे शहीदी बच्चों का जो शहीदी दिहाड़ा गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों का 21 तो लैके 28 तरीक तक के हफ्ते दे विच गुरु गोबिंद सिंह ने अपना सारा परिवार वरता ही तो साडे हिस्से भी हुण आया। ये लड़ाई उदों भी दिल्ली दे नाल ही ते हुण भी ये लड़ाई दिल्ली दे नाल है ते असीं मोदी नूं कहना चाहुंदे औरंगजेब ना बन। वह कलंक जिहड़ा उहने अपने उत्ते लाया वह अपने उत्ते ना लवा इन्हां नूं रद्द कर दे ते लोकां नूं अमन मान दे नाल बैण दे। धन्नवाद। बोले सत श्रीकाल दोस्तों तुसी देख रहे हो प्राइड पंजाब TV। दोस्तों अज असीं खड़े हाँ टांडे शहर की दाणा मंडी दे विच। आ तुसी देख सकते हो मेरे खब्बे पासे ते मेरे सज्जे पासे ते नाल एक ओवर ब्रिज आ। आ जो तुसी देख रहे हो ये अज ये सारा ट्रालियां दा काफले गड्डियां दे काफले मोटरसाइकलां दे काफले किसान संघर्ष कमेटी आल ओवर पूरे पंजाब दे विचों अज टांडे दे विचों भी गुरदासपुर एरिया तो होर आले दुआले दे जिहड़े साडे जिले हैगे आ टांडे दे नाल जिन्ने भी आले दुआले जिले पैंदे आ सारिआं तों किसान कट्ठे हो के एक लगभग 30 हज़ार कह सकते हैं किसानां दा एक वड्डा काफला। आ तुसीं पुल दे उत्ते जिहड़े ट्रैक्टर खड़े भी देख सकते हो ते जिहड़े कट्ठे हो के 30 हज़ार दे लगभग असीं ये किसान संघर्ष कमेटी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिहड़ी आ उन्हां ने यह दस्सिया हैगा कि 30 हज़ार दे लगभग किसानां दा काफला अज दिल्ली वल नूं कूच करूगा। ते दोस्तों इत्थों साफ पता लगता है कि जो मोदी सरकार ने सोचिया सी कि जिदा जिदा यह टाइम पैंदा रहूगा
संघर्ष कमजोर होगा, लोग अपने घर वापस जाएंगे तो शायद ये किसान चुप कर जान। पर इथों साफ पता लगता कि किसानों ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया दोस्तों कि जिन्ना चिर ये काले कानून, जिन्ना चिर ये तीनों बिल रद्द नहीं करता मोदी, उन्ना चिर किसान बढ़ चढ़ के उस संघर्ष में अपना हिस्सा पाउण गया। तुसीं देख लो काफले तो अंदाजा ला सकते हो, गड्डियां इतों के होर पता लग्या सी, एक आ बस के उत्ते खड़े हाँ, इस बस के विच परिवार जा रहे हैं, साडियां मातावां साडियां भैणां अपने कह लो पूरे परिवार समेत अपने बच्चों के समेत उस दिल्ली के संघर्ष के विच जा रहे हैं। इतों अंदाजा ला सकते कि संघर्ष किन्ना तिखा होने वाला है। अज ये किसान बिना किसी राजनीतिक पार्टियां दे साथ ले बिना, अज ये किसान किसी भी लीडर का साथ ले बिना डट के मैदान दे विच खड़े आ, अपने दम ते सीधा सेंटर दे नाल मत्था लाया। ये ताजा तस्वीर तुसी देख सकते हो, उधर नारेबाजी मेरे सजे पासे हो रही आ, मोदी सरकार दे खिलाफ नारेबाजी हो रही आ, जिहड़े किसान आ वो डटे हुए आ मैदान दे विच। तुसी देख सकते हो इथों अंदाजा लगता कि किन्ना जोश, ये इस तरह लग रहा कि जिवें संघर्ष ये अज शुरू होया होवे। इथों साफ पता लगता है, इथों इन्हां तस्वीरां तो ताजियां तस्वीरां तो दोस्तों ये अंदाजा हो रहा है कि जिवें संघर्ष ये इहनूं इक महीना नहीं लगभग खरे अज ही शुरू होया। अज 25 तरीक कल 26 तरीक, 26 तरीक नूं लगभग पूरा एक महीना हो जाना। आपां किसान भरावां नाल भी गल करांगे, उन्हां दा भी यही कहना है असीं उस कौम दे वासी आ, इस करके असीं कौम तो उस कौम नूं बिलोंग करदे आ जिन्हां ने शहादतां दित्तियां, ते इह संघर्ष कोई सानूं ठंड कोई मालूम नहीं हुंदी। सो दोस्तों देखदे रहो प्राइड पंजाब टीवी, असीं तुहानूं ताजियां इदां इहो जिहियां ही न्यूज़ां किसान संघर्ष नाल रिलेटड, इहो जिहा संघर्ष चल रहा पंजाब दे विच पूरे देश दे विच, सारे बॉर्डर दिल्ली दे घेरे हुए आ किसानां ने, तुहानूं ताजियां तस्वीरां दिखाउंदे रहांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, प्राइड पंजाब टीवी सबसक्राइब करो, साडे चैनल नूं फॉलो करो, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।